अब सही हुआ आवाज है ना। हाँ जी, क्या नाम है? विकास कुमार। प्रणाम सर। थैंक यू सर। विकास, यस सर, आपने ग्रेजुएशन कब किया है? सर 2012 में। 2012 में जी। क्या था आपका ग्रेजुएशन में? सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय से मैंने किया ग्रेजुएशन। इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आपने कहीं जॉब किया? नहीं सर। अच्छा, तो बीटेक करने का क्या था आपका इरादा, जॉब क्यों नहीं किया? सर मैं मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ और बीटेक एक सोशल सिक्योरिटी मतलब एक स्थायी सिक्योरिटी के पर्पज से किया था कि मान लीजिए मैं भविष्य में तैयारी करना चाह रहा था प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, तो वो मुझे एक सिक्योरिटी प्रदान कर सके, इस वजह से इनकेस मैं अगर वहाँ सफल नहीं हो पाता हूँ मुझे एक स्थायित्व प्रदान कर सके। 10 साल तो हो गया है बीटेक किए हुए, अगर सिक्योरिटी पर्पज से आपने किया है बीटेक तो कहीं जॉब करना चाहिए। जी सर। इसी सर कहाँ से किया था आप बीटेक? जी नागपुर यूनिवर्सिटी से सर। नागपुर यूनिवर्सिटी से। जी सर। अच्छा, मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में क्या डिफरेंसेस हैं? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वैसे डिवाइस होते हैं जो सर हाई वोल्टेज पे काम करते हैं जनरली, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लो वोल्टेजेस पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में पावर डिसिपेशन पावर लॉसेस ज़्यादा होते हैं तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर ये मैंने उस पर कमांड बेसिस पे काम करते हैं, उनमें क्षमता होती है डिसीजन लेने की, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में वो क्षमता नहीं होती है सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक के साथ आपने कम्युनिकेशन भी किया होगा? सर मेरा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है सर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग केवल? जी सर। जो मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, उसका क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है? सर मॉड्यूलेटर डिवाइस ऐसे यंत्र होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं को मॉड्यूलेट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस ला करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सिग्नल को आगे भेजते हैं। और डीमॉड्यूलेटर उसके उल्टा विपरीत काम करते हैं, जो सूचनाएँ भेजी गई हैं उसको डिकोड करके ओरिजिनल सिग्नल में उसको प्रोड्यूस करते हैं सर। हम लोग और देखते हैं वाईफाई के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यस सर। ये वाईफाई का मतलब क्या होता है, एक आम आदमी को समझाना होगा जो लोग बीटेक नहीं किया है। यस सर। है ना, वो कैसे समझेगा कि वाईफाई क्या है और इसका क्या काम है? वाईफाई सर इसका फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है, जिसके कार्य ये है कि अगर बिना तार के भी दो यंत्र आपस में कनेक्टेड होकर के सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और बेसिकली ये इंटरनेट संबंधी सूचनाओं को आदान प्रदान करने में मददगार सिद्ध होता है। अच्छा अच्छा, तो जो पहले टेलीफोन लाइन हुआ करता था अभी भी है ना, वाईफाई का जो सिस्टम है, दोनों में से बेहतर कम्युनिकेशन किस में होता है? टेलीफोन लाइन से ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन किया जा सकता है तुलनात्मक वाईफाई का। टेलीफोन लाइन एक स्थायित्व प्रदान करता है लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में, ये स्थायित्व प्रदान करता है, बेहतर कम्युनिकेशन होता है। यस सर। तो जब हम लोग फिर वाईफाई को ज़्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं, तो हर जगह वाईफाई लग रहा है? यस सर। और टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में से कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट है जिसके वजह से उसका इस्तेमाल किया जाता है सर। ये बिना तार के कनेक्ट हो जाता है, इस वजह से ये सर। ये हॉट स्पॉट भी आपने सुना होगा? यस सर। यस सर। हॉट स्पॉट कैसे काम करता है? हॉट तो सर जनरली मोबाइल में वो एक फैसिलिटी होती है जिसके मदद से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल या दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, और उसमें इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। उसको हॉटस्पॉट कहने के पीछे क्या कारण है? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चिप क्या होता है? चिप सर वो सारे डिवाइसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे आईसीज और डायोड्स
एकत्रित किए हुए होते हैं और इंटीग्रेटेड वे में जो फंक्शन करते हैं उन्हें चिप करते हैं। अच्छा, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्ञान प्राप्त किया है बीटेक में, इसका किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है ईएसआई के रूप में? जी सर, ईएसआई में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और किया भी जा रहा है सर। आज जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं सर, उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो रहा है। जैसे जीपीएस की मदद से एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जो कि हमारे बिहार के माननीय परिवहन मंत्री श्री शीला कुमारी जी ने उद्घाटित किया है, VLTS सिस्टम, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि जीपीएस के मदद से ही गाड़ियों के लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। और रिमोट सेंसिंग के मदद से रोड सड़कों का निरीक्षण किया जाना संभव है। कैमराज, बहुत विविध विविध तरह के कैमराज आ गए हैं सर, जिसमें कि ANPR कैमरा, बुलेट गन कैमरा। ये तो गाड़ियों को ट्रैक करने की बात हो गई ना। यस सर, ESI क्या करेंगे तो आपने किधर नहीं किया सर? एज ए ESI इन सारी टेक्नोलॉजीज को मेरी गाड़ी में शराब लेकर अगर कोई जा रहा है सर, तो क्या उसको ESI चेक कर सकता है? यस सर, आज रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें ESI को ये उसमें कार्यक्षेत्र को एक्सटेंशन दिया गया, उसमें चेक करने का अधिकार दिया गया है सर। ठीक, अभी आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे बताइए एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में या कक्षा में रखना पड़ता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में लो अर्थ ऑर्बिट में काम करते हैं, वो पोलर ऑर्बिट में काम करते हैं। अभी आप चिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है, ये मुझे बताइए कि और किसकी जगह पे आप सेमीकंडक्टर का यूज कर सकते हैं? इसके जो समझ नहीं पाया मैं क्वेश्चन में। सेमीकंडक्टर होते हैं? यस मैम। एक तो चिप में उसका यूज हो गया। यस मैम। इसके अलावा कहाँ का यूज होता है? आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले सेमीकंडक्टर का वो क्राइसिस चल रहा था। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में सेमी कंडक्टर बेस्ड आ रहे हैं, चाहे वो चिप हो या फिर मदरबोर्ड हो। क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसका यूज है? यस मैम, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है इसका यूज। ऑटोमोबाइल सेक्टर बता सकते हैं? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं करता। अच्छा, आप वोल्टेज के बारे में भी बात कर रहे थे, तो मुझे बताइए कि वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज जब दो कंडक्टर के बीच में जो अप्लाई किया गया पोटेंशियल होता है वो वोल्टेज होता है मैम, और ये हाई टू लो वोल्ट लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हैं, और ये जो एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं। क्या एमीटर और वोल्टमीटर के साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया है? यस मैम, किया है। तो उसमें ये बताइए कि एमीटर को वोल्टमीटर में किस तरह से चेंज किया जाता है, या वोल्टमीटर को एमीटर में किस तरह से चेंज किया जाता है? वोल्ट मीटर में मैम शंट करके एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, शंटिंग करके। एकदम बढ़िया। आपने हॉबी या टू एजुकेटर इसमें कैसे बच्चों को पढ़ाना पसंद है? छोटे बच्चों से लेकर के 10th क्लास के बच्चों तक को मैं बताता हूँ, मैं उनको मेंटरशिप करता हूँ, गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ, जनरली काउंसलिंग वगैरह करता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं? यस मैम। नो मैम, ट्यूशन नहीं, ऐसे मेंटरशिप और गाइडलाइंस के तौर पे देना मुझे। ये देखा गया है कि कोविड टाइम में बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाई क्योंकि उनके पास मोबाइल या लैपटॉप जैसी सुविधाएं नहीं। मान लीजिए कि सरकार एक योजना चलाती है जैसे हर घर बिजली, हर घर पानी, हर हाथ मोबाइल बच्चों को पढ़ने के लिए देती है, तो क्या लगता है ये जो डिजिटल डिवाइड की जो बात होती है वो खत्म हो जाएगा सिर्फ मोबाइल फोन देकर डिजिटल डिवाइड? मैम पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा एक डिवाइस, मतलब एक डिवाइस की मदद से बहुत बड़ा एक परिवर्तन या क्रांति लाया जा सकता है। सबको दे देंगे मोबाइल, बच्चों को दे देंगे मोबाइल, राशन की दुकानों में मोबाइल भी बट जाएगा, राशन के साथ मोबाइल भी दे जाएंगे। और मोबाइल के साथ मैम उसके साथ जुड़े हुए जो पहलू हैं, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बेहतर क्लासेस जब तक नहीं होंगे तब तक बच्चों को। विकास अभी प्लेसेज ऑफ वर्शिप चर्चा में रहा है, चर्चा में रहा है,
प्लेस ऑफ वर्शिप सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, ज्ञानवापी मंदिर से मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला अभी चर्चा में है, जहाँ उसकी पीछे की दीवार पे हिंदू देवताओं के कुछ चिन्ह ऐसे मिले हैं जिनमें पूजा का अधिकार से रिलेटेड मांग की जा रही है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप वैसे स्थान होते हैं जहाँ हम अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करने के लिए वहाँ पे कुछ विधि विधान से कर्म करते हैं। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये लाया गया था, जिसके तहत 1991 के पहले जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको उनकी स्थिति यथास्थिति बनी रहने का प्रावधान है, उसमें कोई भी तोड़ फोड़ या उससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अधिकार नहीं है। 1991 सर। जब ऐसा प्रोविजन जब ये है एक्ट में, तो क्या जरूरत है किसी मंदिर किसी मंदिर के बारे में फिर से बात करने सर, ये धार्मिक आस्था का विषय है, लोग अपने अपने स्तर पे ये आस्था से जुड़ते हैं। ये सर, इसमें मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट को इंटरव्यू किया है, किस बेसिस पे इंटरव्यू किया है सर, उसकी उतनी बेहतर समझ नहीं है मुझे सर। सर सर इधर कई मामले हैं, ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट को ड्यू कर रहा है। एक मामला है जिसकी EWS का, इसके बारे में पढ़े हैं आप? यस सर। क्यों चैलेंज किया गया? EWS मामला आरक्षण जो है 10% रिजर्वेशन EWS श्रेणी को दिया गया है, जो 103वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। इसमें मुख्य बात ये है सर कि ये आरक्षण सिर्फ अपर क्लास जनरल वाले लोगों को, जनरल बच्चों के लिए ही सीमित कर दिया गया। इसमें नीचे तबके से जुड़े हुए जो पिछड़े तबके हैं लोग, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। इसके वजह से पिछले तक तो यार पहले से मिल रहा है ये सर, पिछले को मिल ही रहा है, किसी को मिल ही रहा है। यस सर, यस सर, पिछले तबकों को सिर्फ वहीं तक सीमित हैं, लेकिन इसमें 10% रिजर्वेशन ये स्पेशल कैटेगरी में सिर्फ उन्हीं को दिया गया, जो कि उनका प्रतिनिधित्व कम है, कम दिखाता है SC ST वर्ग। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में कोई नेशनल लेवल पर कोई जगह का नाम चेंज किया गया है सर? सर निकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। राजपथ का नाम चेंज किया गया? यस सर, राजपथ का नाम किया गया, कर्तव्य पथ रखा गया है। क्यों नाम चेंज किया गया था? राजपथ जहाँ तक सर गुलामी की दास्ता के शो करता है, बताता है उसको, उस चीज उस मानसिकता से निकलने के लिए हम लोग उसका नामकरण चेंज करके कर्तव्य पथ रखा है, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया है, इसलिए वो उस चीज़ से निकलना चाहिए। और कोई ऐसा जगह है, कोई सिंबल है जो कि गुलामी की दास्ता का प्रतीक है? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ सर मुस्लिमों के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। मुस्लिम अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार जो एक्टिविटीज़ है रीति रिवाज को मानने के लिए, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वो करते हैं। जैसे शादी से जुड़ा हुआ मामला हो या तलाक से जुड़ा हुआ मामला हो, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं सर। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में संसद इंटरवीन कर सकता है? कर सकती है सर, कुछ हद तक कर सकती है, अगर उसमें अधिकार से जुड़े हुए मामले हो, अधिकार का हनन हो, फंडामेंटल राइट्स अगर हनन हो किसी का, तो कर सकती है। जो विकास आप ESI बनने जा रहे हैं, तो ESI के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी आपने प्राप्त किया होगा, उसके वर्ग के बारे में बटे हुए हैं सर। ट्रैफिक पुलिस का जहाँ तक काम है सिर्फ ट्रैफिक को नियंत्रण करना, मैनेज करना, और ESI को है परिवहन से जुड़े हुए मुद्दों को डील करना, परिवहन क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को डील करना। जैसे भी ESI को मत निषेध का भी कार्य दिया गया है। यस सर, यस सर।
तो क्या ट्रैफिक पुलिस भी ईएसआई का काम कर सकती है, ईएसआई भी ट्रैफिक पुलिस का काम कर सकता है? सिचुएशन के अनुसार कर सकती है, ईएसआई भी ट्रैफिक पुलिस का काम कर सकती है, जहाँ सिचुएशन डिमांड करेगी वहाँ कर सकती है सर। बट ऐसे जनरली दोनों में कार में दोनों का बाइफरकेशन है सर, दोनों अलग अलग है। जो थाने में सब इंस्पेक्टर होते हैं यस सर, और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यस सर, दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है? सर जाहिर सी बात है, जो थाने में है उनका कैप क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है, उनको विविध तरह के यहाँ तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एसआई में सफल हो चुके हैं जी सर, लोग ईएसआई के लिए बहुत जोर लगा रहे हैं, क्या बात है? सर ईएसआई को लेकर उसमें ज़्यादा ईएसआई में कार्य क्षेत्र सर निर्धारित है, सीमित कार्य क्षेत्र है इस वजह से, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई समस्याओं को डील करना होता है, विविध तरह के विविध विविध के कार्य की व्यापकता है सर इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें करने का अवसर मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा, तो भागना चाहता है लोग? नहीं सर, कुछ अपने पर्सनल लेवल तक कुछ समस्याएं हो सकती है, जो कुछ और पढ़ाई करना हो या अपनी और बेहतर तैयारी करके। आपके जीवन में क्या उद्देश्य? मेरा उद्देश्य सर एक बेहतर ऑफिसर बनना और बेहतर नागरिक बनना है सर। ठीक है, जस्ट ठीक है, देखने में सोबर नेचर पे लग रहे हो, सिंपलिसिटी पे लग रही है, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी लेवल और बढ़ाना है, ठीक है, बोलने का तरीका थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट बना करके बात करना है, बात कर दूँगा क्या था, आई कॉन्टैक्ट थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, वो ध्यान रखना, दूसरा क्या था, एक आदमी से बात करना है, बाकी लोगों को भी देखना है, ठीक है। 2012 से 22 10 साल का जो पीरियड है, इसमें जॉब सिक्योरिटी के लिए बीटेक किया, वहाँ कहीं काम किया नहीं, वो सही जस्टिफिकेशन है ना, जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, या तो कहीं जॉब दिखाना पड़ेगा, फिर हम मोनोटोनस लगातार छोड़ के आए, ऐसा कर सकते हो, या तो कहीं अगर पढ़ा रहे हो तो बता सकते हो, लेकिन 10 साल तक खाली ऐसे बैठना बीटेक के विद्यार्थी को, और जब वो कह रहा है कि हम जॉब सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया था बीटेक, नहीं करता भी है अधिकांश, ठीक है ना, तो ये तो जस्टिफाई नहीं करेगा ना सर, 10 साल का गैप, 2-3 साल का अलग बात है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी गैप कहीं को जॉब वगैरह दिखाना चाहिए। टेलीफोन और वाईफाई में जब टेलीफोन ही जब ज़्यादा बेहतर है, तो फिर टेलीफोन क्यों नहीं काम कर रहा है, इसी क्यों रखा जा रहा है, दोनों का अपना अपना है ना, अपनी अपनी खूबियाँ हैं और अपनी अपनी खामियाँ भी हैं, है ना, क्योंकि वायरलेस जो होता है वो कहीं भी व्यक्ति कहीं भी है किसी भी स्थिति में है वहाँ काम कर सकता है, नदी में हो, तालाब में हो, पहाड़ पर हो, जंगल में हो, तो वहाँ पर काम कर सकता है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, बेहतर हो जाता है, ध्यान रखना है। हॉटस्पॉट वगैरह अच्छे से जानो, चीप के बारे में अच्छे से जानो, मैडम पूछ रही थी सेमी कंडक्टर वगैरह जो सब देखना, क्वेश्चन भी तो भेजा ही गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको देखना है, ठीक है, और सेटेलाइट के बारे में बता रहा था, पहले लोअर बताया फिर पोलर बताया, लोअर अर्थ ऑर्बिट सर, लोअर अर्थ ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट दोनों नहीं हो सकता, सबका अलग अलग ऑर्बिट है ना, नियो एलियो, ठीक है, दोनों दो है, पोलर अलग है, जीओ ऊपर जीटीओ बोलते हैं ना, सब अलग अलग है ऑर्बिट, उसको समझना है, तुमको तो जानना ही चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, बाकी ठीक है, ट्रैफिक ईएसआई एसआई ईएसआई सबको अच्छे से देख लेना है, और ठीक है, और अच्छा है, ठीक है ना।